हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉफ़ी बनाने का बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगी। इस कॉफ़ी को बनाने के लिए ना ही आपको इलेक्ट्रिक हीटर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको बहुत देर तक फेंकने की टेंशन। आपका जब भी मन करेगा आप आसानी से झटपट इस कॉफ़ी को बना के पी सकते हैं। इसके लिए मैं लूँगी आधा कप उबला हुआ दूध, कॉफ़ी, चीनी और 1 टेबलस्पून फ्रेश मलाई। इसको बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम दूध डालेंगे, इसमें चीनी डालेंगे। मैं 1 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल लीजिएगा। इसमें 3/4 टेबल स्पून कॉफ़ी डालेंगे। अब इसमें फ्रेश मलाई ऐड करेंगे, मलाई आप फ्रेश ही यूज़ करिएगा। अब झागदार कॉफ़ी बनाने के लिए हम इसे हैंड ब्लेंडर से कुछ सेकंड के लिए ही ब्लेंड करेंगे। हम इस कॉफ़ी को ठंडी और गर्म दोनों तरह से बना के पी सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, अगर हमें कोल्ड कॉफ़ी पीनी है तो इस स्टेज पर आके बस 2-3 आइस क्यूब डालनी होगी और हमारी झागदार कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर हमें गर्म कॉफ़ी पीनी है तो इसे हम गर्म कर लेंगे। देखिए गाइस, हमने इसे कुछ सेकंड ही ब्लेंड किया है और हमारी झागदार कॉफ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसे थोड़ा और ब्लेंड कर लीजिएगा। मैं इसे कप में निकाल रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देखिए। तो चलिए अब मैं इस कॉफ़ी को गर्म करके दिखाऊंगी। इस कॉफ़ी को बनाने के लिए एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, कॉफ़ी में फ्रेश मलाई यूज़ होगी, पहले से रखी हुई मलाई मत डालिए। मलाई को डालने से इस कॉफ़ी का टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल बदल जाएगा। हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई। आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाइए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये कॉफ़ी कैसी लगी। इसमें ऊपर से कॉफ़ी पाउडर डालिए और एंजॉय करिए।